Hello guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव के एक और न्यू सॉन्ग पे, जिसके लिए हमें भर भर के रिक्वेस्ट आए थे. सॉन्ग का टाइटल है लटक जाइबा और इसमें भी आकांक्षा पूरी है. बैक टू बैक आकांक्षा के साथ सॉन्ग आ रहे हैं, आउट हो चुके हैं. चुम्मा पे दिया रिएक्शन, इसके पहले भी जो सॉन्ग है उस पे दिया रिएक्शन. उस पे बहुत लोगों ने हमें बोला कि वो बेसिकली किसी को टारगेट करके है. नहीं, वो तो है, वो बेसिकली वीडियो सॉन्ग नहीं है. वो बेसिकली लिरिकल है और शूट के कुछ पोर्शंस डाल दिए. तो बेसिकली डिश ट्रैक था अगर हम लोग बोले तो. दैट वाज अ भोजपुरी डिश ट्रैक. यस, दैट वाज अ डिश ट्रैक. ये भोजपुरी इंडस्ट्री का डिस्ट्रैक्ट था. बीफ गेम चल रही थी. अब आई डोंट नो दूसरे साइड में किसको बीफ मतलब डिश किया. जिनको किया वो भी इसके ऊपर निकालेंगे या नहीं मुझे नहीं पता. ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? होता है तो बताना कमेंट में. तो हिप हॉप में पता था हमें. हाँ, भोजपुरी में है या नहीं वो पता नहीं. तो नहीं क्योंकि हाँ टारगेट करके निकाले, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, सुना नहीं था कि उधर भी होता है ऐसा. तो ये सॉन्ग आउट हो चुका है. इसमें से ऑब्वियसली खेसारी लाल यादव ने गाया है मेल वोकल, और फीमेल वोकल में शिल्पी राज एज ऑलवेज, क्योंकि इनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वही गाती है. तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सुन लेते हैं सॉन्ग. आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं.
बोली ना ना गाइस सो दिस वाज द सॉन्ग तो बैक टू बैक ये थर्ड सॉन्ग है ना आकांक्षा के साथ एंड आकांक्षा पुरी के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है खेसारी लाल की क्योंकि हमने फर्स्ट सॉन्ग में ही देखा था उनकी केमिस्ट्री उनके साथ बहुत अच्छी लग रही थी एंड बैक टू बैक निकाल रहे हैं उनके साथ सॉन्ग अब बहुत अच्छे दोस्त भी है दोनों मैंने इस सॉन्ग पे एक रील भी देखा उनका जिम का था वो रील बहुत टेम्पटिंग था रील आई थिंक सबने देखा होगा वो रील बट हाँ सॉन्ग अच्छा था एंड केमिस्ट्री भी दोनों की अच्छी लग रही है काफी अच्छी लग रही है और एक चीज मुझे पता चली कि खेसारी लाल यादव मुंबई में रहता है आई डिडंट नो इसके पहले कि वो मुंबई में रहता है मुझे लगता था कि वो बिहार में ही रहते हैं या मुझे भी ऐसा और लगता था हाँ बट मैंने पॉडकास्ट में जब सुना एक क्लिप आई थी तो वो मतलब वो छठ के बारे में बोल रहे थे कि उनकी भी जो वाइफ है वो छठ करती है मुंबई में तब मुझे पता चला कि वो मुंबई में ही रहता वही मैं सोचू की आकांक्षा क्या वो बिहार जाती है शूटिंग के लिए और बट नहीं वो ये सारी जो शूटिंग हुई है ये मुंबई में ही हुई है होती है पवन सिंह मुंबई में रहते हैं क्या आई डोंट नो मुझे पता नहीं है अब जहां तक मुझे पता है कि वो तो बिहार में ही रहता है आई थिंक खैर रहना जहाँ पे वो उनकी पर्सनल चॉइस है सॉन्ग्स पे अगर आए हम तो नो डाउट हमें पता है कि खेसारी लाल के जो सॉन्ग होते हैं वो काफी जॉली होता है काफी एंटरटेनिंग होता है खाली लास्ट सॉन्ग जो आउट हुआ था वो बहुत सैड था स्टार्टिंग से ही बिल्कुल इंटेंस था हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो भी आकांक्षा के साथ था तो उसका तो आई थिंक वीडियो सॉन्ग फिर आउट होगा हमें बोला गया वो कि उसका वीडियो सॉन्ग आउट होने वाला है एंड राजा राम का किसी ने हमें बोला था कि तीन सॉन्ग आउट हो चुके हैं मैंने तो सर्च भी किया मुझे कहीं भी तीन सॉन्ग नहीं दिखा पता नहीं दूसरे किसी सॉन्ग के साथ इसको मर्ज कर दिया या नहीं खैर ये सॉन्ग बहुत अच्छा था एंड मुझे लास्ट में जो उनका वो लुक था वो ब्लू कलर की साड़ी में जो लुक था और वहां पे जो स्टेप्स थे वो भी बहुत फनी लग रहे थे बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था नहीं दोनों की केमिस्ट्री बहुत एंटरटेनिंग है तो इनकी केमिस्ट्री जो है वो बोल्ड है काफी बेसिकली आकांक्षा जो है वो उनकी जो पर्सनैलिटी वो बहुत बोल्ड काइंड ऑफ है हमने बिग बॉस में भी देखा था एंड रियल लाइफ में भी वो काफी बोल्ड है हमने देखा है उनको जिन्होंने नहीं देखा है उनको उनका मैं नहीं बता सकती बट जिन्होंने देखा है उनको मालूम है आकांक्षा इज वेरी बोल्ड और केमिस्ट्री उनकी जिनके भी साथ देखी है बोल्ड ही लगती है क्यूट नहीं लगती तो नॉर्मली जब खेसारी लाल यादव के साथ हम किसी की पेयरिंग देखते हैं तो वो क्यूट लगता है पर आकांक्षा के साथ जब हम देखते हैं तो वो क्यूट नहीं लगता वो बोल्ड लगता है काफी इवन रील्स वगैरह पे उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं वो भी काफी बोल्ड लगते हैं अच्छा लगता है सो यस गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन वी होप आपको अच्छा लगा होगा तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जो भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके एंड गाइज इसे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं अगर आप हमें वहां भी फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो अगर हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।